ये जो 9th प्रोडक्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मैनुअल में फूड सेफ्टी के, ये है इवेपोरेटेड और कंडेंस मिल्क, स्वीटेंड अनस्वीटेंड एंड स्किम्ड मिल्क। इसे पहला पैरामीटर डिटरमिनेशन ऑफ टर्टल सॉलिड, टर्टल सॉलिड वाटर बाथ यूज़ करना है, मॉइस्चराइज यूज़ करनी है, वाटर और हॉट एयर ओवन, डेसिकेटर और स्टिंग रॉड्स, वही सैंड यूज़ करेंगे हम जो 500 माइक्रोन सी पे पहले ही पास हुई हो, और उसे पहले ही हम ड्राई करके रखेंगे सैंड को एज ए किसी बॉक्स में या उसमें, ताकि हम हैंड टोंड यूज़ कर सकें। अब क्या करना है, 20 ग्राम सैंड को हमें डिस्क में लेना है और स्टीयरिंग रोड भी लेनी है, और इन सबको 102 डिग्री पर 2 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में रख देना है, और प्रिफरेबली ओवरनाइट भी रख सकते हैं जिससे पूरी तरह ड्राई हो जाए। सैंड को मोशन करो 5 ml वाटर से और स्टीयरिंग रोड से उसे मिक्स करो, और उसे दोबारा हॉट एयर ओवन में 5-4 घंटे रख दो, लेट को फिट कर दो और उसे कूल करो, डेसिकेटर में रूम टेम्परेचर पर उसे वेट कर लो, कांस्टेंट वेट तक देख लो जब तक उसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। लीव द सैंड इमर्ज इन 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 3 डेज स्टीरोकेशनली। कैल्शियम द सैंड, ये सैंड को प्रिपेयर करने का तरीका है, आप ऐसे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड डालकर, और उससे 550 डिग्री पर मफल फन्ने 4 घंटे छोड़ सकते हैं, ताकि बिल्कुल हमारे जो सैंड है बिल्कुल पेपर हो जाए, ताकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि सैंपल हम मॉइस्चर निकाल रहे हैं टोटल सॉलिड, तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना करें, इसलिए सैंड को पूरी तरह प्रिपेयर किया जाता है। अब जो डिस्क है उसमें 20 ग्राम सैंड लेंगे जो प्रिपेयर्ड है, वो 1 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे 102 डिग्री पर, लिड प्रेस करेंगे, उसे डेसिकेटर में रखेंगे, कूल करेंगे, वेट करेंगे। अब उसमें 2 ग्राम सैंपल, हम प्रिपेयर्ड सैंपल लेंगे कंडेंस मिल्क का, लिड प्लेस करेंगे उसे, और स्ट्रिंग रोड्स के टॉप पर रख के हम उसको डिस्को वेट करेंगे। अब 5 ml डिस्टिल वाटर डालिए उसमें, लिड हटाकर टेस्ट पोर्शन में उसे मिक्स कीजिए स्ट्रिंग रोड से, और इनफॉर्मली स्प्रेड कर दीजिए उस पर डिस्क में। अब जो रोड है उसको स्टिर करने के बाद उसे मिक्सचर में ही छोड़ दीजिए, और उसे अब वाटर बाथ पर बॉईल कीजिए 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए बॉईल करने के बाद अब उसे वहाँ से हटाइए, उसे ओवन में 4 घंटे के लिए अब रख दीजिए विद इट्स लिड। ओवन खोलिए, लिड को डिस्क पर लगाइए, उसे कूल करिए डेसिकेटर में, वेट करिए, और वेट आपको वैसे ही 2-3 बार करना है जब तक कॉन्स्टेंट वेट ना जाए लगभग, और उसे वेट कर लेंगे, उस कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन एम हमारा जो डिस्क है स्टीयरिंग रॉड और उसमें लिड है उसका वेट और सैंड है, M1 है हमारा उसमें सैंपल, हम सैंपल ऐड कर दिया है, और M2 है जो हमने ट्राई किया है 3-4 घंटे ओवन में रखने के बाद, तब उसका वेट करेंगे और सबको कैलकुलेट कर लेंगे। फैट के रोज कोटली मेथड है, इसका मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सुक्रोज कंटेंट निकालेंगे उसमें, लीन एनल मेथड वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, यही मेथड मोस्टली यूज होती है, केमिकल मेथड जो होती है, इसमें क्या क्या रिजल्ट चाहिए होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलूशन 0.1 का, स्टोव सोलूशन ऑन वेट शुगर, हम जो प्योर सुक्रोज लेंगे, आता है केमिकल आता है इसका 5 आधे किलो का डिब्बा आता है, 9.5 ग्राम लेंगे 5 ग्लास पर, उसको 1 लीटर फ्लास्क में हमें ट्रांसफ़र करना है, उसे 100 ml वाटर कंटेनिंग, 5 ml उसमें एसिड डालेंगे, और उसे 3 दिन के लिए छोड़ देंगे 20 नॉर्मल टेम्परेचर पर 20-25, और उसे फिर बाद में मेकअप कर देंगे, और ये महीनों के लिए हमारा सॉल्यूशन स्टेबल है। अब जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया है इसमें से हम 100 ml लेंगे
इसमें लिख रखा है नॉन एडिक्वेट न्यूट्रलाइजेड नॉन एडिक्वेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सुगर। सो या 200 ml आप ले सकते हैं इसमें से, और सब एंड डाइल्यूट विद वाटर टू इट नॉन वॉल्यूम। ये जैसा मैंने बताया इसमें नोट भी दे रखा है, आप देख सकते हैं नीचे कि 40 ml ले लीजिए और उसे 100 ml मेकअप कर लीजिए, लेकिन उसे मेकअप करने से पहले उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज कर लीजिए, न्यूट्रलाइज कर लीजिए, pH देख लीजिए 7 उसकी आ जाए, मतलब न्यूट्रलाइज करना है हमें। उसके बाद उसे मेकअप कर लीजिए, मान लो 40 ml लिया हमने स्टॉक सोल्यूशन में से और 50 ml उसे मेकअप कर लेंगे, ताकि जो रीडिंग है हमारी कंसनट्रेशन की वो 0.12 से 0.30 के बीच आए, यानी जो रीडिंग आएगी ट्राइडेट करेंगे तो 15 ml की और 50 ml के बीच आए। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इनवर्ट शुगर, वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। मिथाइल ब्लू इंडिकेटर होता है, फैलिंग सोल्यूशन ए और बी दो होते हैं, दोनों को बनाने का मेथड दे रखा है, बने बनाए भी आते हैं, बना भी सकते हो आप, और ये रेडीमेड भी आते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हो, बनावा का मेथड इसमें दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फैलिंग सोल्यूशन, रेडीमेड चाहे हम बनाएं हम उसको स्टैंडर्डाइज करना होता है फैलिंग सोल्यूशन को, उसी जो हम स्टॉक सोल्यूशन से उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे जो हमने बनाया था अभी रिसेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब जो हमारे जो फिलिंग सोल्यूशन ए और बी हैं उन सब में दो ए और बी इन दोनों में 250 ml का फ्लास्क लेंगे और दोनों में से 10-10 ml हम पिपेट से फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इनवर्ट शुगर रिजेंट सी एट अबाउट 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इनवर्ट शुगर रिजेंट सी टू द फ्लास्क एंड हीट टू बॉइलिंग। हम ब्यूरेट में जो हमने रिजेंट बनाया है ब्यूरेट में भर लेंगे और 10 ml इस हम फ्लास्क में लेंगे, 15 सेकंड के लिए बॉइल करेंगे एंड एड रैपिडली फर्दर पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इनवर्ट शुगर अंटिल ओनली द फेंटेस्ट परसेप्टेबल ब्लू कलर रिमेन्स। इंडिकेटर हमने डाल लिया है 10 ml हमने ऑलरेडी डाल लिया था, अब ब्यूरेट से हम उसे बॉइल करते हुए साथ साथ उसे टाइटेट करना है। जब ब्लू कलर आ जाएगा तब हम उसमें 2-5 ड्रॉप मिथाइल ब्लू सोल्यूशन डालेंगे, हीटिंग करेंगे और दोबारा उसमें हम टाइटेट करते रहेंगे उसे ड्रॉप बाई ड्रॉप अंटिल द टाइटेशन इज कम्प्लीट। ब्रिक रेड कलर आएगा हमारा, अब हम उसकी जो स्टॉक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने लिया है ब्रिक में उसकी रेटिंग नोट कर लेंगे किस रेटिंग पर हमारा जी फ्लास्क में ब्रिक रेड कलर आ गया, उसको नोट कर लिया हमने। हीट अ मिक्सचर टू बॉइलिंग एंड बॉइल जेंटली फॉर 2 मिनट्स लोअरिंग द फ्लेम सफिशिएंटली टू प्रिवेंट पंपिंग without removing the flask from the flame add 2-5 drops of methylene blue indicator complete the titration within total boiling time of about 3 minutes। 3 minutes बहुत important time है आपको, जो भी procedure होगा जैसे आपने फैलिंग सोल्यूशन ए और बी डाला और आप उसमें 10 ml सोल्यूशन डाला ब्यूट के पास ले गए अपने बॉइल किया, तो बॉइल करने के बाद जो टाइटेशन प्रोसेस होगा पूरा वो जो ब्रिक रेड कलर आने तक हमारा 3 मिनट तक 3 मिनट का होना चाहिए, ना ज़्यादा देरी ना ज़्यादा बहुत तेज। बहुत तेज़ करोगे आप ड्रोवाइज आप कंटिन्यू डालोगे तो रीडिंग आपकी गलत आएगी, ड्रोवाइज डालना है लेकिन ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 मिनट में हमको वो प्रॉपर बॉइलिंग साथ होनी चाहिए ताकि हमारा 3 मिनट में वो प्रोसेसर हमारा कंप्लीट हो जाए। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, ना तो हमें ब्यूरेट का फ्लो ज़्यादा तेज़ करना है ड्रोवाइज ही रखना है और ना हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है। दिस इज़ द मेन पॉइंट जब हम शुगर कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा ये मेथड हम कर रहे हैं। द कंसेंट्रेशन नॉट वन द कंसेंट्रेशन ऑफ द शुगर सोल्यूशन शुड बी सेट दैट टाइटर वैल्यू शुड बी 15-50 ml। सपोज आपकी 20 ml टाइटर वैल्यू आ गई क्योंकि 15-50 के बीच होनी चाहिए। अब हम सैंपल के लिए हमारा रिजल्ट है कुछ जो हमारा वो तैयार हो गया डीटी हमने नोट कर ली स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए। अब कुछ सोल्यूशन है जो हमें सैंपल के लिए प्रिपेयर करना है, जिंक एसिटेट सोल्यूशन फेरोसाइनेट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड एचसीएल अमोनिया डाइल्यूट अमोनिया डाइल्यूट एसिटिक एसिड और
dextrose. Dissolve 0.2 gram of pure and reduced dextrose in water and make cup 200 ml. जो हम डेक्सट्रोज लेंगे उसको हम पहले ही एक घंटे के लिए ओवन में 100 डिग्री पर ड्राई कर लेंगे. ओके एपरेटस हमारा वॉल्यूम टू फ्लास्क होंगे 100 ml का 250 ml 500 ml का इधर 1 लीटर का ब्यूरेट 50 ml की फनल्स कॉनिकल फ्लास्क 250 ml का पिपेट 1 ml की 5 ml की 10 ml की मैं सिलेंडर बीच में 25 ml का 50 ml का फिल्टर पेपर होगा हमारे पास वाच ग्लास होगा हॉट प्लेट. प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन 4 ग्राम सैंपल ले लीजिए 100 ml बीकर में उसमें 50 ml हॉट वाटर जो 90 डिग्री सेल्सियस तक ऑलरेडी हॉट हो मिक्स एंड ट्रांसफर टू फ्लास्क. मिक्स करेंगे सबसे फ्लास्क में डालने के बाद until the volume is 120 to 150 ml. अब उसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे और 120 to 150 ml हम उसे 250 ml के जो फ्लास्क होगा हमारा मिक्सिंग फ्लास्क और 150 ml तक हम उसमें वाटर डाल देंगे. कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पर उसमें 5 ml अब उसमें डालेंगे अमोनिया. मिक्स करेंगे 15 मिनट छोड़ देंगे. अब उसमें डायलूट एसिटिक एसिड सिंथेटाइज करेंगे अमोनिया को. अब इसमें दो सॉल्यूशन डालेंगे जिंक एसिटेट वाला और पोटेशियम फ्लोरोसाइनेट वाला दोनों ही डालेंगे 12.5 ml 12.5 ml 250 ml मेकअप कर लेंगे. अब हमारा मेकअप हो चुका है जो हमारा 250 ml का फ्लास्क है उसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए सेटल करने के लिए. उसे फिल्टर करेंगे अब और जो फिल्टर करेंगे उसको सॉल्यूशन को नाम देंगे B1. क्या B1? अब जो हमारा सोल्यूशन आया है B1 इसमें से 50 ml लेंगे अलग से 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसमें 5 ml HCl डालेंगे कंसेंट्रेटेड से वाटर बाथ पे हीट करेंगे 5 मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पर और छोड़ना नहीं है उसे रोटेट भी करना था साथ कूल करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे और इस सोल्यूशन को नाम देंगे A1 और 100 ml मेकअप कर देंगे. दो सोल्यूशन हो गए B1 और A1. B1 से A1 बना है जब हमने उसको HCl से डाइजेस्ट किया है. ध्यान रखना याद रखना बिल्कुल अच्छे तरह डाइल्यूटेड सॉल्यूशन B1 यूजुअली 50 ml B1 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूटेड 200 ml टू ऑब्टेन डाइजेशन रीडिंग ऑफ अराउंड 14 ml व्हेन डाइजेस्टेड अगेंस्ट फेलिंग सॉल्यूशन एंड AI. यूजुअली 15 ml ऑफ AI सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूटेड 200 ml टू ऑब्टेन डाइजेशन रीडिंग ऑफ अराउंड 18 ml. When titrated against failing solution, so that the volume of solution required to react with random failing solution is 15, 15, and 50 ml. Mark them B2 and A2 respectively. अब जो हमारे दो solution हैं, B1 और A1. 50 ml लेंगे B1 से और 15 ml लेंगे A1 solution से. 100 ml दोनों ही हमको मेकअप करना है लगभग दोनों को ही हम 100 ml मेकअप करेंगे ताकि जो हमारी रीडिंग आएगी वो 15 से 50 के बीच में ही आए जब हम 10 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे फेलिंग ये फेलिंग भी जब टाइट करेंगे. इंक्रीमेंटल मेथड ऑफ टाइट्रेशन और एक होती है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टाइट्रेशन. पोर द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इनटू 50 ml ब्यूरेट Pipette 10 ml fixed solution into 250 ml conical flask and run in from the pipette 15 ml of the solution. ये जो incremental method of titration है इसको छोड़ दीजिए आप सीधा standard method of titration पे आइए सीधा. आप 250 ml का conical flask लीजिए उसमें 10 ml filling A और B लीजिए so that उसके बाद जेंटली बॉयल कीजिए. ग्लास बीट ले सकते हैं ग्लास बीट भी ताकि आप उसे बॉयल करते हैं बहुत हॉट हो जाता है और साथ में एक कुछ ऐसा ग्लव्स ले लीजिए ताकि वो कोने के फ्लास्क को सेक करना होता है तो वो बहुत हॉट हो जाता है. आप जेंटली बॉयल करेंगे कंटेंट्स को 2 मिनट के लिए. इंडिकेटर डालेंगे मिथाइल ब्लू इंडिकेटर 2 मिनट बॉयलिंग करने के बाद ये बॉयल होगा. बॉयल की कंडीशन में ही हम उसको
जो हमारा प्रिपेयर सॉल्यूशन है, एक दो ड्रॉप डालेंगे और हमारा ब्लू कलर डेवलप होगा फ्रॉम द ब्रेड टिल द ब्लू कलर ऑफ द इंडिकेटर जस्ट डिसअपीयर्स। जैसे डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर हो जाएगा हमारा जो इंडिकेटर हमने डाला है। द टाइटेशन शुड बी कम्प्लीटली विद इन 1 मिनट सो दैट द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क वर्ल्ड ऑल टुगेदर फॉर 3 मिनट्स विदाउट इंटरप्शन। ये हमें टाइम का जरूर ध्यान रखना है। और हमें रीडिंग नोट कर लेंगे, रीडिंग क्या आई, जो हमारा रेड कलर हमारा आ गया है, नोट हटा दीजिए। अब हमारी दो रीडिंग हो गई, एक तो हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाली और एक हमारी सैंपल वाली। और यहाँ पे कैलकुलेशन पे हम आ जाते हैं, W1V1W2F1। ये ORS है, TRS से सुक्रोज है, सुक्रोज आती है TRS माइनस ORS से आती है। ये सबको देखते हैं, W1 दिया है जो है वेट इन मिलीग्राम और सुक्रोज कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 ml ऑफ फिल्म सॉल्यूशन। ये जो हमने 10 ml में फिल्म सॉल्यूशन यूज़ किया था और जब हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइटेट किया था, टाइटर वैल्यू आती है उसके बेस पर कंसंट्रेट कैलकुलेट करते हैं कि सुक्रोज हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सुक्रोज कितनी है, उसका वेट इन मिलीग्राम, जो मिलीग्राम में कितना आता है उसको हम नोट कर लेते हैं। W2 हमारा कितने ग्राम सैंपल लिया हमने, F2 हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है फॉर सॉल्यूशन ए सेकंड फ्रॉम A1, जो हमने A1 से ए सेकंड सॉल्यूशन हमने जो बनाया था, हमने 15 ml लिया था डाइल्यूशन किया था हमने उससे। आप ऊपर जाके देख सकते हैं, जो हमने A1B1 बनाया था, यस हमने 15 ml लिया था और उसमें 50 ml लिया था। ये दोनों फैक्टर हम यूज़ कर लेंगे, F1F2V2 वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन ए सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 ml ऑफ फिल्म सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन बी सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 ml ऑफ फिल्म सॉल्यूशन। अब जो हमारे दो सॉल्यूशन बने ए सेकंड बी सेकंड, इन दोनों की फिल्म सॉल्यूशन जो हमने टाइटल वैल्यू आई है उन दोनों को नोट कर लेंगे और सारे उन सबको हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन हो क्या जाएगा, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस इतना है W1/W2, यहाँ पे V1 है और V2 है, बाकी सब पूरा फॉर्मूला लगभग सेम है, बस फैक्टर और आपका F1 इसमें पहले वाले में F1 और V1 है, इसमें F2 और V2 है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करके आप सुक्रोज कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप एक मेथड है ये पॉलीमेटिक मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सुक्रोज इन कंडेंस मिल्क, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, पॉलीमीटर से होती है, अगर पॉलीमीटर है तो करेंगे वरना लैब में नहीं है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पॉलीमीटर की, अवॉइड कर दीजिए इस मेथड को। अब आते हैं एसिडिटी पर। एसिडिटी सिंपल पैरामीटर है, ये तो आपने देखा बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस था। एसिडिटी सिंपल है, बस हमें सॉर्टमेंट सोल्यूशन बनाना है 0.1 का, फ्रॉम 3 इंडिकेटर चाहिए, रेडीमेड होता है। 10 ग्राम सैंपल लीजिए और जिसमें 30 ml गर्म वाटर डालिए, फ्रॉम 3 इंडिकेटर डालिए, 5-6 ड्रॉप और सेक करिए, अगर टाइटेट कर दीजिए, कंप्लीट टाइटेशन 20 सेकेंड। टाइम का जोर ध्यान रखना है, कीप ए ब्लैंक भी लीजिए आप विदाउट सैंपल, पर आपको सिंपल डिस्टी वाटर लेना है, फ्रॉम 3 इंडिकेटर डालना है और आपको टाइटेट मार देना है, वो हमारी ब्लैंक वैल्यू जाती है ताकि हम कलर भी कंपेरिजन कर सकें। और हमारा 9N फॉर्मूला है, 9N/W, 9th फैक्टर है, ए हमारा वॉल्यूम है जो हमारी डाटर वैल्यू आई, एन नॉर्मलिटी है और हमारा डब्ल्यू जो है सैंपल वेट है, इसलिए आप कैलकुलेट करके आप से रिजल्ट दे सकते हैं। मिल्क प्रोटीन नॉट फैट, मिल्क प्रोटीन के लिए आप मेरी पिछली वीडियो या जो हमने प्रोटीन दिया है उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं। मिल्क प्रोटीन ये हमारा हो गया।